जो अब तक हमने देखा, हमें रोलो का पास दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं उसके और उसके साथियों को गुलाम बनाकर रखा गया होता है और इस ड्रैगन को यहाँ पर वो इसलिए लाया होता है ताकि वो अपने साथियों को बचा सके और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। तब हम देखते हैं नॉर पर उस ड्रैगन के पॉइजन का कोई असर नहीं हो रहा होता क्योंकि बचपन में नॉर ने बहुत सारी पॉइजन वाली चीजें खाई होती हैं जिस वजह से उसकी बॉडी पर पॉइजन का असर होना बंद हो चुका होता है और तब वो उसके बाद उस ड्रैगन को हरा देता है। और तभी वहाँ पर जैडू आ जाता है और रोलो उसे देखकर हैरान हो जाता है। और अब आगे तब जैडू कहता है, यहाँ के हालात को देखकर लग रहा है कि जिस डिलीवरी को तुमने पूरा करना था उसे तुम बर्बाद कर चुके हो। तब नॉर कहता है, तो क्या वो तुम हो जिसने इसे डिलीवरी करने के लिए कहा था? नहीं, मैं तो बस उनका हायर किया हुआ बंदा हूँ। तो क्या इसकी ये हालत तुमने की है? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे नहीं पता था ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मुझे माफ कर देना। आखिरकार अब तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मुझे इस डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ उस लड़के के लिए आया हूँ और मैं इसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर रोलो को लेने आए हो? सही कहा। और रोलो पर हमला कर देता है पर नॉर उसके हमले को रोक देता है और कहता है, आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम मेरे रास्ते में हो तो इसलिए साइड हट जाओ और उसे मेरे हवाले कर दो। क्या तुम रोलो के बारे में बात कर रहे हो? मुझे उसका नाम नहीं पता है पर जो लड़का तुम्हारे पीछे है उसकी लाश मुझे पैसे दिलवा सकती है। आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं इसे जिंदा भी ले जा सकता हूँ और उसके बाद मेरा क्लाइंट इसका मर्डर कर देगा पर इतनी मुसीबत कौन झेले, तो इसलिए मैं इसकी लाश को लेकर ही जाऊँगा। और तब वो नॉर पर लगातार हमला करने लगता है और नॉर उसके हर एक हमले को रोक रहा होता है। तालीन सोचती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? मास्टर और वो मिस्टीरियस मैन बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं जिस वजह से मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी इनस कहती है, लेडी लीन मेरे पास से कहीं मत जाइएगा। तब जाडू कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब पर्सन हो और फिर से नॉर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब नॉर बार बार उसके हमले को पैरी कर रहा होता है। तब जाडू कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो तो लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही सिर काटना पड़ेगा और बहुत स्पीड से नॉर पर हमला कर देता है जिसे नॉर पैरी कर देता है। पर उस हमले के प्रेशर से नॉर और रोलो पीछे की तरह धकेले जाते हैं। तब नॉर सोचता है, ये कितना अजीब है, आखिरकार उस छोटे से ब्लेड के अंदर इतनी सारी पावर है कैसे? इस छोटे से ब्लेड का हमला तो उस काउ से भी ज्यादा स्ट्रांग है जिससे मैं पहले लड़ा था। तभी हम देखते हैं जाडू का ब्लेड टूट जाता है और तब वो दूसरे ब्लेड को निकाल कर नॉर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब नॉर उसके हमलों को पैरी करते हुए सोचता है, ये बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है, मैं तो बस उसके अटैक्स को इंट्यूशन के जरिए ही अवॉइड कर पा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही रोलो को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ता रहा तो ये मुझे हरा देगा। तब जाडू कहता है, आखिरकार तुम मरते क्यों नहीं, और उस पर और तेजी से हमला करना स्टार्ट कर देता है। तालीन सोचती है, इनकी लड़ाई तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं तो इनके करीब भी नहीं जा पाई हूँ। तब इनस लीन के आगे शील्ड बना देती है और कहती है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है तो इसलिए आपको पीछे ही रहना होगा और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम चींटी की तरह मसल दिए जाएंगे। मुझे याद आ गया है कि ये पर्सन कौन है, इसका नाम डेड मैन जाडू है जो कि एक पुराना एस रैंक एडवेंचरर है। तब हमें यहाँ पर पास दिखाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं सिक्स ओवीरियंस की मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ इनस आ जाती है। तब गिलबर्ट कहता है, इनस आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम गार्ड्स की मदद कर रही थी। मैं वही कर रही हूँ पर फिर मुझे कुछ अनसॉल्व्ड केस में से डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें लिखा हुआ है कि टारगेट मर चुका है। पर आखिरकार हम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे कि केस अभी भी चल रहा है? तो डंडाक कहता है, उसे रहने दो, ऑफिशियली वो टारगेट मर चुका है। तसिक कहता है, ये केस डेड मैन जाडू का है जो कि बहुत ही यंग एज में एस रैंक एडवेंचरर बन गया था और उसके बाद एस रैंक का टारगेट बन गया। तवेनस कहती है, एस रैंक का टारगेट वो भी एक ह्यूमन, आखिरकार ऐसे कैसे? तब गिलबर्ट कहता है, ये कुछ मजेदार लग रहा है, तो चलो फिर मैं जाकर इस बंदे को मार देता हूँ। तसिक कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करो, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे लड़ो। तमिया ने कहती है, ये आपका बिल्कुल सही डिसीजन है, जादू किसी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इसलिए हम लोगों को उसके पास मरने के लिए नहीं भेज सकते। तब क्रॉक्स कहता है, सही कहा, और वैसे भी इस टाइम उसके साथ लड़ने का मुझे कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। तब ओकन कहता है, क्या तुम लोग इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हो? तब गिलबर्ट और इनस हाँ कहते हैं। तब ओकन कहता है, जब वो बच्चा था उसने एशियंट आर्ट ऑफ ड्वार्वन एल्केमी को मास्टर कर लिया था और वो 13 साल में ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाना जाने लगा और उसके बाद वो सारी जगह फेमस होने लगा। वो एक ऐसा पर्सन बन गया था जो कि एडवेंचर्स में सबसे ज्यादा टॉप पर था। तवीनस कहती है, तो फिर आखिरकार ऐसा पर्सन टारगेट कैसे बन गया? तस्दीक कहता है, उसने हमेशा अपनी टेक्निक्स और टैलेंट को सही कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर लिखा हुआ है
कि उसने एक मर्चेंट की फैमिली के 36 मेंबर्स को मार दिया था। तब गिल्बर्ट कहता है, क्या उसने सच में ऑर्डिनरी लोगों को मार दिया? तब सेन कहता है, गिल्ड एसोसिएशन में कुछ लोग चाहते थे कि उसका एडवेंचर लाइसेंस कैंसिल हो जाए, पर उसने गिल्ड के लिए भी बहुत काम किए थे और ऊपर से वो डिजास्टर लेवल थ्रेट मॉन्स्टर्स को भी अकेले हरा सकता था, जिस वजह से कुछ लोगों की राय उसके लिए अलग थी। और तब उस मैटर को वहीं रोक दिया गया। तसिक कहता है, जाडू कोई भी जॉब को बिना डिस्क्रिमिनेशन के एक्सेप्ट कर लेता है। जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे तब तक वो कुछ भी करेगा। उसके लिए पैसों के अलावा कोई भी चीज मायने नहीं रखती है, जिसका एग्जांपल ये है कि उसने एक पूरी की पूरी कंट्री को खत्म कर दिया था। उसने अपने क्लाइंट के लिए कंट्री की पूरी आर्मी और उसकी पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को भी मार दिया था। उसके लिए अच्छाई और बुराई कोई मायने नहीं रखती है। तो यहाँ इनेस कहती है, जाडू को मारने के लिए बहुत सारे एडवेंचरर्स आए हैं, पर वो उन लोगों की लाशें बिछाता रहा, जिस वजह से उसके ऊपर की बाउंटी बढ़ती गई। पर फिर जब गिल्ड ने देखा कि इसकी वजह से बहुत से एडवेंचरर्स मर रहे हैं, तब गिल्ड ने सबके सामने ये अनाउंस कर दिया कि ये मर चुका है, जिस वजह से इसे डेड मैन जाडू कहने लगे। तब जाडू कहता है, तुमने मेरे कलेक्शन के सारे हथियारों को तोड़ दिया। तनार कहता है, मुझे माफ कर देना कि ये सारे टूट गए हैं, पर ये तुम्हारी गलती है, तुमने हम पर हमला किया था। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक बार के लिए मैं ये तो मान सकता हूँ कि मिथ्रिल टूट सकता है, पर ओरकेलियम और ड्रैगन टस्ट भी इतनी आसानी से टूट गया। क्या सच में तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके पैसे दूं? तो सच में बहुत ज्यादा अजीब आदमी हूँ, और उससे ज्यादा अजीब तुम्हारी ये तलवार है। तो चलो फिर, अब मैं सेफ खेलता हूँ और इसे यूज करता हूँ। और तब वो अपने क्रॉस को आसमान की तरफ फेंक देता है, जिसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, और हम देखते हैं वो बहुत सारे क्रॉसेस में टूट जाता है। तब इनेस कहती है, इसकी एक स्वॉर्ड टूट कर छोटी छोटी तलवारों में टूट जाती है, और ये पलक झपकते ही 100 से भी ज्यादा जाने ले सकती है। तब जाडू कहता है, ये है सिल्वर क्रॉस, तुम चाहो तो इनमें से जितने मर्जी को तोड़ सकते हो, पर याद रखना कि मैं बड़ी आसानी से ऐसे और भी बना सकता हूँ। और उन सभी को नॉर और रोलो की तरफ फेंक देता है। तब नॉर उन्हें पैरी करने लगता है, पर कुछ छोटी छोटी स्वॉर्ड्स रोलो की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसे नॉर अपने ऊपर ले लेता है। तब वो बार बार ऐसे ही करने लगता है, और इन्हें सोचती है, यहाँ पर बहुत सारे सिल्वर क्रॉसेस हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। मुझे इनकी मदद करनी होगी, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा मिशन लेडी लिन को प्रोटेक्ट करना है। पर सबसे पहले मुझे ध्यान से अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचना चाहिए, तो इसलिए मुझे सबसे पहले लेडी लिन, क्या मैं आपको छोड़कर उनकी लड़ाई में मदद करने जा सकती हूँ? तब हम यहाँ देखते हैं जाडू अपने सिल्वर क्रॉसेस से उन पर बार बार हमला कर रहा होता है। तब नॉर उन्हें पैरी कर देता है, पर कुछ सिल्वर क्रॉसेस फिर से रोलो की तरह बढ़ने लगते हैं। तब इनेस जाडू पर हमला कर देती है, जिससे नॉर रोलो को बचा पाता है। तब वहाँ पर और भी ज्यादा सिल्वर क्रॉसेस आ जाते हैं, पर इनेस अपनी डिवाइन शील्ड से उन क्रॉसेस को रोक देती है और सोचती है, मेरी ड्यूटी लेडी लेन को किसी भी हालत में बचाना है, तो इसलिए मैं इस आदमी को मरने नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना कि मुझे आने में देर हो गई। तनार कहता है, इनस तुमने तो सच में हमारी जान बचा ली। तब इनस डिवाइन शील्ड से जाडू पर हमला कर देती है। तनार सोचता है, इसकी शील्ड स्वॉर्ड की तरह है, पर मुझे नहीं लगता कि ये शील्ड उस पर्सन को हिट कर पाएगी। तब इनस कहती है, मिस्टर नार, अगर हम इस तरह लड़ते रहेंगे तो ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं होने वाली, तो इसलिए मैं डिफेंस पर फोकस करती हूँ और आप उसे संभालिए। तनार सोचता है, इसके क्रॉसेस से ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कि ये लिविंग क्रिएचर्स हों, पर पास्ट में मैंने एक ऐसी चिड़िया को मारा है जो कि इससे भी ज्यादा तेज थी। रुको जरा, शायद उस फ्रॉग के दांत किसी काम आ सकते हैं। इनस, मेरे सिग्नल पर मेरे सामने वाली शील्ड को हटा देना। क्या आप ये सच में कर पाएंगे? मुझे लगता तो है कि मैं ये कर पाऊंगा। और तब वो फिजिकल एनहेंसमेंट करके उन दांतों के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन्हें सिल्वर क्रॉसेस की तरफ फेंकने लगता है, जिससे कि वो क्रॉसेस तबाह होने लगते हैं। तनार बार बार उस फ्रॉग के दांतों और नाखूनों को फेंक कर उन क्रॉसेस को तबाह करने लगता है, पर तभी जाडू इनस पर हमला कर देता है। पर इनस के उस हमले को टच करने से पहले ही नॉर उस हमले को पैरी कर देता है। तनार कहता है, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था। आखिरकार ये कह कौन रहा है, तुमने तो मुझे चौंका दिया, आखिरकार तुमने इसे रोका कैसे? और ऊपर से ये तो एडमेंटाइट था, तो ये टूटा कैसे? मुझे माफ कर देना, पर तुम ही हो जो मुझ पर हमला कर रहे थे। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, पर मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करनी ही होगी। और नॉर पर हमला कर देता है। तनार उसके हमले को रोक कर कहता है, क्या तुम सरप्राइज अटैक करना बंद करोगे? ये स्वॉर्ड तो सच में बहुत अजीब है, और साथ में तुम भी बहुत अजीब हो। और आखिरकार तुम मेरे अटैक्स को रोक कैसे पा रहे हो? बस मैं ये कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये असली हो रहा है। क्या तुम हम पर फिर से हमला करने वाले हो? नहीं, ये मिथ्रिल चारों तरफ फैल गया है, तो इसलिए मैं इसे इकट्ठा नहीं कर
सकता, तो इसलिए मैं आज के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि रॉयल कैपिटल में कोई सेलिब्रेशन चल रही है, पर लगता है मुझे वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। टाइनस कहती है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे ये तो नहीं पता कि रॉयल कैपिटल में चल क्या रहा है, पर मुझे बस इतना पता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो चलो, आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, तो आज के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, अजीब इंसान। तो फिर ठीक है, तुमसे दोबारा से मिलूंगा। तुम सच में बहुत अजीब इंसान हो। सच में? पर मुझे तो नहीं लगता। मैंने बहुत से अजीब से लोग देखे हैं, पर तुम उनमें से सबसे ज्यादा पागल हो। अपने आप को लकी समझो, डीमन फॉक। मैं तुम्हें मारकर अच्छे पैसे कमा सकता था, पर जब तक ये इंसान यहाँ पर है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अतः झाड़ू फिर से नौर पर हमला कर देता है, जिसे नौर रोक देता है और फिर झाड़ू वहाँ से गायब हो जाता है। तब यहाँ लीन कहती है, आखिरकार रॉयल कैपिटल में क्या धमाकेदार हो रहा है? तब नौर कहता है, उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। तो क्या तुम लोग इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं वहाँ पर क्या चल रहा होगा। तो चलो फिर वापस चले। और वैसे भी हम सिटी से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, और वैसे भी हम रोलो को लेकर मिथिला नहीं जा सकते, तो इसलिए कैपिटल में वापस जाना ही ठीक रहेगा। ता रोलो डरने लगता है और उन्हें कैपिटल में वापस जाने से मना करने लगता है। ता नौर कहता है, क्या तुम ठीक हो? ता रोलो कहता है, क्या तुम सभी लोग रॉयल कैपिटल से हो? तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हम लोग अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए मेरे हिसाब से हमें वापस चले जाना चाहिए। क्या तुम वहाँ पर जाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने सुना है कि बहुत बड़ी चीज रॉयल कैपिटल जा रही है, और वो इतनी ताकतवर है कि वो एक पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर सकती है। और उन लोगों ने ये भी कहा था कि जिस ब्लैक डेथ ड्रैगन को मैं लाया हूँ वो उसके कंपैरिजन में बस एक मामूली सी चीज है। तालीन कहती है, इनस हमें इसी टाइम रॉयल कैपिटल वापस जाना चाहिए, सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा बुरी है। टाइनस कहती है, पर रुक जाइए, मैं इसके लिए नहीं मान सकती, लॉर्ड रेन ने मुझे। तालीन कहती है, मुझे पहले से ही पता है, उन्होंने यही कहा है ना कि कैपिटल को अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे लेकर मिथिला भाग जाना। टाइनस कहती है, आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता है? टालीन कहती है, क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि मेरा बड़ा भाई कैसे सोचता है। पर तुम्हें क्या लगता है तब क्या होगा जब मैं अकेले भागूंगी? तो इसलिए हमें वापस जाना चाहिए और उन सभी को इसके बारे में सतर्क करना चाहिए। तुम्हें पता है ना डीमन फॉक के साथ क्या हुआ था और उन्होंने अपने होमलैंड को कैसे खो दिया? अगर हम लोग अभी भागने की कोशिश करेंगे तब हमारा भी हाल उन्हीं की जैसा हो जाएगा। टाइनस कहती है, ठीक है, हम रॉयल कैपिटल वापस जा रहे हैं, पर आपको वादा करना होगा कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। टालीन इस बात के लिए हाँ कर देती है। तनार कहता है, रोलो अगर तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो हमें यहीं अलग होना होगा। तारोलो कहता है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, शायद मैं वहाँ पर कुछ न कर पाऊँ, पर जो भी वहाँ उस मॉन्स्टर को ला रहा है वो पक्का हम में से कोई एक डीमन फॉक है। डीमन फॉक होना भी कितना जिम्मेदारी वाला काम है। तब नौर को देखकर लीन सोचती है, मुझे पूरा यकीन है इस लड़के की अपब्रिंगिंग को देखकर मास्टर को दर्द महसूस हो रहा होगा, इनका दिल कितना बड़ा है। तब नौर सोचता है, काश मुझे एक बार इस पॉइजन फ्रॉग को खाने का मौका मिल जाता। तब यहाँ वो लोग रॉयल कैपिटल की तरफ वापिस जाने लगते हैं, और लीन सोचती है, मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ, पर अगर मास्टर नौर जिन्होंने ब्लैक डेथ ड्रैगन और डेडमैन झाड़ू के साथ लड़ाई की है वो हमारे साथ है तो हम सेफ रहेंगे। क्लेस किंगडम की प्रिंसेस होने के नाते मेरी ड्यूटी भाग जाना नहीं है, मुझे इन्हें वहाँ पर लेकर जाना ही होगा, क्योंकि ये पर्सन एक हीरो है जो कि रॉयल कैपिटल को बचा सकता है। तो इसलिए चाहे मैं मर भी जाऊँ पर फिर भी मैं इन्हें वहाँ तक पहुँचा के रहूँगी। तो यहाँ हम देखते हैं मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से सिटी में काफी नुकसान हुआ होता है। तब एक सोल्जर रीन को बताता है, ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया है, और सिक्स सोवियन की मदद से हमने एनिमीज को भी हरा दिया है। तारेन कहता है, तुमने सही कहा, पर अभी भी खतरा टला नहीं है, वो लोग पक्का दूसरे हमले की तैयारी कर रहे होंगे। सीक्रेट कॉर्प दुश्मनों को ढूंढ रही है पर उन्हें अभी तक कोई नहीं मिला है, तो शायद वो हम पर हमला नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो लोग हमें हराने के लिए आ रहे हैं तो ये सही मौका है। इस टाइम हमारी फोर्सेज अलग अलग जगह पर हैं और हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए भी हैं, तो इसलिए वो पक्का बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे होंगे। पर प्रॉब्लम तो ये है कि हमें ये नहीं पता कि अगला हमला कहाँ से होने वाला है। क्या वो नॉर्थ से होगा या साउथ से या फिर आसमान से? हंटर कॉप के अकॉर्डिंग आसमान में कोई भी चीज उड़ती हुई दिखाई नहीं दी है। तभी रेन को आसमान में कुछ दिखाई देता है और वो अनकवर स्पेल को यूज करके कैमाफ्लो को तोड़ देता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, ये तो ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।